हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो बोन बनने की प्रोसेस होती है बोन फॉर्मेशन की, उसको हम क्या कहते हैं? ओसिफिकेशंस, रिसॉर्प्शंस, कैल्सिफिकेशंस और साइनोवियल। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उसको हम कहते हैं ओसिफिकेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन इंटरनल रेस्पिरेशंस टेक प्लेस, इंटरनल रेस्पिरेशंस कहाँ पे होता है? जो गैसेस का एक्सचेंज इंटरनल रेस्पिरेशंस में कहाँ होता है? बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में, बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू, डी ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा सी, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशंस होता है, जबकि लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। द स्ट्रक्चर बाई विच टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर सेपरेटेड इज नॉन एज, जो दो हेमिस्फीयर होते हैं सेरिब्रम में, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? वर्मिस, कॉर्पस कोलोजम्स, फ्लेक्स सेरिब्री और सेप्टम ल्यूसिडियम। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा कॉर्पस कोलोजम, से दोनों हेमिस्फीयर डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज अ शाइन बोन, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा बोन है जो शाइन बोन से जाना जाता है? ए टीबिया बोन, फीमर बोन, ह्यूमरस बोन और फिब्युला बोन। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा टीबिया बोन। टीबिया बोन किधर होता है? तो जस्ट नी के नीचे टीबिया और फिब्युला हमारे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर हेल्थ, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है? LDL, HDL, VLDL और VHDL। तो हमारा सही आंसर होगा HDL, जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। तो HDL का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, और LDL जो बेड होता है वो कौन सा होता है? LDL होता है, जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम फॉर अ जॉइंट दैट कैन ओनली मूव इनटू टू डायरेक्शन, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा जॉइंट है जो टू डायरेक्शंस में मूव करता है? हिंज जॉइंट, इंसर्शंस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और फ्लेंज जॉइंट। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा जो टू डायरेक्शन में करता है वो कौन सा होता है? हिंज जॉइंट। उसका एग्जाम्पल क्या है? एल्बो जॉइंट। ठीक है, और जो बॉल एंड सॉकेट होता है वो कहाँ होता है? हिप जॉइंट होता है और शोल्डर जॉइंट, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ द लोवेस्ट ब्लड प्रेशर, सबसे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल और वेन। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा वेन का ब्लड प्रेशर सबसे लोएस्ट रहता है। अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स का टिश्यूज देखने को मिलते हैं? 4, 6, 8 और 7। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 4। कौन कौन सी देखने को मिलती है? फर्स्ट होती है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होती है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होती है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ होती है नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टिश्यू हमारे बॉडी में पाई जाती है। एपिथेलियल के बारे में हमने बहुत डीप में पार्ट 3 में पढ़ा था, ना देखा हो तो वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को एयरवे के अंदर जाने से रोकता है? ए ट्रेकिया, इसोफेगस, डायाफ्राम और एपिग्लोटिस। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो सही आंसर होगा एपिग्लोटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CSF इज सिक्रेटेड फ्रॉम, CSF मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से सिक्रेट होता है? एरेकोइड विलाई, बेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरोइड प्लेक्सस और एक्वीडक्ट।
तो हमारा सही आंसर होगा कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस मीन्स क्या होता है, नेटवर्क, एक टाइप का नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट इज बोन फॉर्मिंग सेल, बोन रिपेयरिंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल और बोन रिकंस्ट्रक्टिव सेल। तो ऑस्टियोक्लास्ट किसको कहते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को कहते हैं, और बोन फॉर्मिंग सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियो ब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियो ब्लास्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेम ऑफ द बॉक्सर्स मसल्स, सार्टोरियस मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, सेरेटस एंटीरियर और बाइसेप्स मसल्स। तो बॉक्सर मसल्स को हम किसको कहते हैं, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरेटस एंटीरियर को हम बॉक्सर मसल्स से नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर बाय विच टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर सेपरेटेड। फिर से आ गया क्वेश्चन, सॉरी। द नॉर्मल रेंज ऑफ सी वी पी इज, सेंट्रल वीनस प्रेशर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 10 to 20 सेंटीमीटर, 5 to 10 H2O, 5 to 15 H2O, 10 to 15 सेंटीमीटर H2O। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, नॉर्मल होता है सी वी पी 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। अगला क्वेश्चन, द एरिया विच ऑल्सो नोन एज अ ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा एरिया है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट्स के नाम से जानते हैं, कौन ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रलिस। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट स्टिम्युलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू डियोडिनम इज। डियोडिनम के अंदर जो हार्मोन्स होता है, जो बाइल रिलीज करता है, वो कौन सा होता है, एंट्रोगेस्ट्रॉन, गेस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलीसिस्टोकाइनिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, कोलीसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे पार्ट्स, तो टाइम की वजह से आज मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया हूँ। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल MCQ 5 पार्ट्स में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।